रथ यात्रा में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। ऐसा सुअवसर बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है, भगवान के अहेतु की कृपा से प्राप्त होता है। आज है जगन्नाथ रथ यात्रा दिवस। जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी एक फिक्स डे है, भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव दिवस के रूप में मनाया जाता है, अपेरेंस डे के रूप में मनाया जाता है। जैसे श्री राधाष्टमी है, ऐसे ही जगन्नाथ पुरी धाम में पुरुषोत्तम तीर्थ क्षेत्र में नीलाचल में पुरी में आज का दिन जगन्नाथ रथ यात्रा दिवस के नाम से विख्यात है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, मुख्य रूप से इन तीन शास्त्रों में जगन्नाथ धाम की महिमा का वर्णन है और जगन्नाथ रथ यात्रा दिवस का वर्णन है। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि का नाम है जगन्नाथ रथ यात्रा दिवस। साल में एक ही दिन होता है रथ यात्रा दिवस, इसलिए हमने अपने सभी कार्ड्स पर, पैम्पलेट्स पर, फ्लेक्सेस पर और गेट्स के ऊपर लिखवाया है जगन्नाथ पुरी के साथ साथ जीबीपीएस ट्रस्ट वृंदावन द्वारा शाहबाद मारकंडा में भगवान जगन्नाथ भव्य रथ यात्रा महोत्सव। और ये रथ यात्रा महोत्सव शाहबाद की धरती पर जगन्नाथ रथ यात्रा दिवस के दिन पहली बार आयोजित हो रहा है जीबीपीएस ट्रस्ट वृंदावन के द्वारा। गीता भागवत प्रचार सेवा ट्रस्ट वृंदावन यानी जीबीपीएस ट्रस्ट वृंदावन जगन्नाथ रथ यात्रा दिवस को भव्य स्तर पर सेलिब्रेट करता है। आज इस भगवान जगन्नाथ भव्य रथ यात्रा महोत्सव में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और दो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और चंडीगढ़ से हमारे जीबीपीएस के भक्तवृंद यहाँ पर पधारे हैं। मैं अपने सभी जीबीपीएस भक्तों का जो दूर दूर से चल करके आए हैं यहाँ शाहबाद मारकंडा में पधारने पर सभी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। और भगवान जगन्नाथ जी के श्री चरणों में आप सभी के लिए दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य एवं शुद्ध भक्ति, शुद्ध रागनुगा भक्ति की कामना करता हूँ। आप सभी को भगवान जगन्नाथ जी की लौकिक एवं पारमार्थिक दोनों प्रकार की कृपा भरपूर मात्रा में प्राप्त हो, यही भगवान श्री जगन्नाथ जी के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना है, मेरी कामना है। और मुझे विश्वास है कि भगवान जगन्नाथ जी आज के दिन तो मेरी कामना अवश्य पूर्ण करते हैं,
तो आप सभी को निश्चित रूप से जगन्नाथ जी की कृपा मिलेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। वो कृपा कब मिलेगी, किस रूप में मिलेगी, ये जगन्नाथ जी का काम है, लेकिन कृपा जो इस रथ यात्रा में भाग लेने के लिए आए हैं सबको मिलेगी। इसलिए मैंने बोला जगन्नाथ चले आए हैं कृपा बरसाने को, जगन्नाथ चले आए हैं कृपा बरसाने को, कृपा बरसाने को, करुणा बरसाने को, कृपा बरसाने को, करुणा बरसाने को, कृपा बरसाने को, करुणा बरसाने को, मेरे नाथ चले आए हैं कृपा बरसाने को, जगन्नाथ चले आए हैं कृपा बरसाने को। कृपा अवश्य बरसेगी, बस आप लोगों को कृपा को लूटना है। जगन्नाथ जी कृपा लुटाने के लिए आए हैं, जैसे बादल जल लुटाते हैं, बरसाने का मतलब क्या होता है, लुटाना। जैसे बादल मेघ जल को लुटाते हैं, वैसे जगन्नाथ जी अपनी कृपा लुटाते हैं। तो आपको कृपा लूटनी है, कृपा लूटने का सूत्र क्या है, एक तो आपको जगन्नाथ जी के साथ साथ आगे आगे चलना है जब रथ यात्रा शुरू होगी, दूसरा जगन्नाथ जी को प्रेम से निहारते रहना है, तीसरा जब भी अवसर मिले जगन्नाथ जी को प्रणाम करते रहना है, और जब भी प्रसाद मिले जगन्नाथ जी का, चाहे नीचे स्टाल से मिले चाहे ऊपर रथ से मिले, क्योंकि स्टाल पर जो प्रसाद मिलेगा वो भी जगन्नाथ जी को भोग लगा हुआ ही है, तो सबको रथ पर प्रसाद मिलना संभव नहीं है, तो वो भी प्रसाद है। जहां से भी प्रसाद मिले उस प्रसाद को जगन्नाथ जी की कृपा ही समझना। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेत सो ही आशो बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसादे सर्व दुखानां हानि ही अस्योपजायते, जब कोई जगन्नाथ जी का प्रसाद खाता है तो उसके जीवन में दुखों की हानि होने लगती है। जैसे व्यापार में हानि होती है लाभ होता है, जब लाभ होता है तो धन बढ़ने लगता है, और जब हानि होती है तो धन घटने लगता है। तो जगन्नाथ जी का प्रसाद खाने से क्या होता है, दुखानाम हानि रस्सुफ जायते, आपके जीवन में जो दुख दरिद्रताएं हैं उसकी हानि होने लगती है, उसकी घटोत्तरी होने लगती है, बढ़ोतरी नहीं घटोत्तरी होने लगती है। ये पहला लाभ है जगन्नाथ जी का प्रसाद खाने का। प्रसन्न चेतसो, जगन्नाथ जी का प्रसाद खाने से मन को प्रसन्नता मिलती है, मन को शांति मिलती है। बुद्धि पर्यवतिष्ठते, और जगन्नाथ जी का प्रसाद खाने से बुद्धि शुद्ध होती है। जिसकी बुद्धि अशुद्ध है वो स्वयं तो अशांत रहता ही है, दूसरों के साथ भी क्लेश करता रहता है, और जिसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है वो स्वयं भी शांत रहता है और दूसरों को भी शांति देता है। तो जगन्नाथ जी का प्रसाद बुद्धि को शुद्ध करता है, और शुद्ध बुद्धि में ही
भगवान का ज्ञान प्रवेश करता है, भगवान की भक्ति प्रवेश करती है। तो ये सारे कार्य जगन्नाथ जी के प्रसाद से होते हैं। जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ को 180 क्विंटल 56 भोग प्रतिदिन अर्पण किए जाते हैं। किंतु जगन्नाथ जी की यह मान्यता है कि वे उन सारे व्यंजनों को प्रसाद बना करके अपने भक्तों को दे देते हैं। जाओ अब तुम इन्हें खाओ और तुम्हें कृपा मिलेगी। तो जगन्नाथ जी का प्रसाद खाना कृपा है। जगन्नाथ जी का प्रसाद एक दाना भी अगर मिल जाए वो भी बहुत बड़ी कृपा है। एक बार देवर्षि नारद को वैकुंठ में माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण का झूठन अर्थात प्रसाद थोड़ा सा अपनी थाली में से नारद जी के हाथ पर रख दिया। तो जैसे नारद जी ने उस प्रसाद को ग्रहण किया तो नारद जी को दिव्य आनंद प्राप्त हुआ और उस दिव्य आनंद प्रेमोन्माद के कारण देवर्षि नारद नृत्य करते हुए कीर्तन करते हुए महादेव जी के पास जा पहुंचे। महादेव जी ने देखा कि नारद जी का चेहरा तो बड़ा दमक रहा है, चमक रहा है, ऐसा क्या मिल गया, बड़े प्रसन्न दिख रहे हैं, बड़ा आनंद है इनके चेहरे पर। तो महादेव जी ने जब पूछा तो नारद जी ने कहा मुझे भगवान हरि का झूठा महाप्रसाद मिल गया था। अच्छा कहाँ है वो महाप्रसाद, कहाँ है, मुझे भी दो थोड़ा सा। नारद जी ने कहा प्रभु वो प्रसाद तो मैंने खा लिया। कौन से हाथ से खाया? बोले दाहिने हाथ से, दिखाना जरा। तो नारद जी के दाहिने हाथ की उंगलियों के बीच में एक दो दाने लगे हुए थे और हमारे भोले शंकर महादेव ने बड़ी श्रद्धा के साथ वो एक दो दाने नारद जी के हाथ से चाट लिए जबकि वो हाथ झूठा था। और श्री शंकर जी के शरीर में अष्ट सात्विक प्रेम का संचार हुआ, वो भी दिव्य आनंद में नृत्य करने लगे। माता पार्वती ने देखा कि मेरे प्रभु महादेव दिव्योन्माद में है, ऐसा क्या मिल गया। महादेव से पूछा, महादेव ने कहा देवी मुझे भगवान हरि का प्रसाद मिल गया। अच्छा तो प्रभु थोड़ा सा मुझे भी दे दो। बोले देवी क्या कहूं, एक दो दाना प्रसाद बड़ी मुश्किल से नारद जी का हाथ चाट करके मुझे मिला, बिल्कुल भी प्रसाद नहीं है। यह सुनकर के माता पार्वती को बड़ा दुख लगा। माता पार्वती ने निश्चय किया कि मैं जगदम्बा हूं, जगदम्बा मैं तुम्हारी तरह स्वार्थी नहीं हूं, शंकर जी की तरह या नारद जी की तरह अकेले अकेले खा गए। मैं भगवान का प्रसाद स्वयं तो खाऊंगी खाऊंगी, सारे संसार को खिला करके रहूंगी। और माता पार्वती ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया, उनकी स्तुति करी, उनके लिए तप किया। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए, हे महादेवी मेरे लिए तप क्यों, किस लिए मुझे स्मरण किया। पार्वती जी ने कहा प्रभु मुझे आपका प्रसाद चाहिए, आपका झूठा प्रसाद चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा देवी
तो वो तो मैं वैसे भी दे देता, उसके लिए तप करने की क्या जरूरत है। आपके लिए प्रसाद के लिए कोई मनाही थोड़े ही है। आप एक बार बोल देती, संदेश भिजवा देती, मैं अपना प्रसाद तुम्हारे कैलाश पर ही भिजवा देता। नहीं प्रभु, मुझे अपने लिए प्रसाद नहीं चाहिए, अपने अकेले के लिए। मुझे तो सारे संसार के लिए चाहिए। अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो सारे संसार को आपका प्रसाद मिलना चाहिए, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, जिस प्रकार सतयुग में बद्रीनाथ त्रेता में रामेश्वरम और द्वापर में द्वारिका धाम का महत्व है, उसी प्रकार कलयुग में मेरे जगन्नाथ धाम का महत्व होगा। मैं अपने जगन्नाथ स्वरूप के द्वारा इतने भोग ग्रहण किया करूंगा, इतने भोग ग्रहण किया करूंगा कि उससे बचकर के इतना भारी प्रसाद बना करेगा कि उस प्रसाद के लिए बाजार लगा करेगा। और आज भी वो बाजार है जगन्नाथपुरी में, उसे कहते हैं आनंद बाजार, क्योंकि प्रसाद का मतलब आनंद। तो जगन्नाथपुरी में आनंद बाजार है, 180 क्विंटल भगवान जगन्नाथ जी को भोग ऑफर किए जाते हैं। तो 180 क्विंटल प्रसाद प्रतिदिन तैयार होता है। वो प्रसाद सब तो श्रद्धालुओं में बंट नहीं पाता, तो आनंद बाजार में रख दिया जाता है। तो जैसे ये अनाज मंडी है और यहाँ पर आड़ती लोग रहते हैं, वैसे ही आनंद बाजार में प्रसाद की मंडी लगती है। और किसी के घर में कोई उत्सव हो, कोई शादी इत्यादि का, तो वहां पर पहले ही बुकिंग हो जाती है कि जगन्नाथ जी का इतने क्विंटल प्रसाद चाहिएगा, 56 भोग का। बोलो हरे कृष्ण। और वहां लोग प्रसाद को बड़े श्रद्धा से खाते हैं, जमीन पर बैठ करके खाते हैं, केले के पत्ते पर खाते हैं, किसी चम्मच का प्रयोग नहीं करते, किसी बर्तन का प्रयोग नहीं करते। इतनी श्रद्धा जगन्नाथ जी के प्रसाद में जगन्नाथपुरी के लोगों की है। तो अगर उतनी श्रद्धा आज जगन्नाथ जी के प्रसाद में आप लोगों की हो जाए, तो निश्चित रूप से वही आपके लिए बहुत भारी कृपा होगी। जगन्नाथ कौन है? जगन्नाथ शब्द जगत और नाथ से मिलकर बना है। जगत प्लस नाथ इक्वल टू जगन्नाथ, यानी जगत और नाथ से मिलकर के जगन्नाथ बनता है। तो जो सारे जगत का नाथ है उसे कहते हैं जगन्नाथ। और जगत दो तरह का होता है, एक है जड़ जगत और दूसरा है चिन्मय जगत। जड़ जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि और नाना प्रकार के कष्ट होते हैं, चिन्मय जगत में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता, वहां पर आनंद ही आनंद होता है। जड़ जगत की सबसे छोटी इकाई कहलाती है ब्रह्मांड, यूनिवर्स, और चिन्मय जगत की सबसे छोटी इकाई है वैकुंठ। और प्रत्येक वैकुंठ के जो स्वामी हैं वो भगवान नारायण हैं। नारायण और विष्णु रूप दोनों का एक होता है,
किंतु कार्य अलग अलग होते हैं। विष्णु ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं और नारायण वैकुंठ के स्वामी होते हैं। तो अनंत कोटि वैकुंठ है, असंख्य करोड़ वैकुंठ है और असंख्य करोड़ ही ब्रह्मांड है। तो असंख्य करोड़ ब्रह्मांड से मिलकर के बना है जड़ जगत, और इस जड़ जगत से तीन गुना है चिन्मय जगत। तो जड़ जगत और चिन्मय जगत दोनों जगत के जो नाथ है उसका नाम है जगन्नाथ। जगन्नाथ के बराबर भी कोई नहीं और जगन्नाथ से बढ़कर भी कोई नहीं। जगन्नाथ तीन लोकों के नाथ नहीं है। अनेक लोग सोचते हैं कि श्री कृष्ण या जगन्नाथ जो है वो त्रिलोकी नाथ है, तो बस तीन लोक के नाथ। तीन लोक के नाथ तो भगवान विष्णु है एक ब्रह्मांड के, जगन्नाथ तो सर्वलोकी नाथ है। सर्वलोक महेश्वरम, गीता 5:29 श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन मैं एक लोक दो लोक या अनेक लोकों का मालिक नहीं हूं, स्वामी नहीं हूं। सर्वलोक महेश्वरम, मैं समस्त लोकों का नाथ हूं, समस्त लोकों का स्वामी हूं, मैं सर्वलोकी नाथ हूं। और श्री कृष्ण केवल सर्वलोकी नाथ ही नहीं, वो सर्वलोकी स्रोत भी हैं, सब लोकों को उत्पन्न करने वाले भी हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 8 में कहा गया है, अहम् सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् बुधा भाव समन्वितः। अहम् सर्वस्य प्रभवो, हे अर्जुन मैं सबका उत्पत्ति स्रोत हूं। सर्वस्य, सर्वस्य में संपूर्ण सब कुछ आ जाता है, और संपूर्ण में एक चौथाई जड़ जगत और तीन चौथाई चिन्मय जगत आता है। ये टोटल सृष्टि है भगवान की। तो अनंत कोटि वैकुंठ लोक भी और अनंत कोटि ब्रह्मांड भी श्री कृष्ण कहते हैं वो मुझसे उत्पन्न हुए हैं, मुझसे प्रकट हुए हैं। वैकुंठ श्री कृष्ण से प्रकट हुए हैं और ब्रह्मांड उनसे उत्पन्न हुए हैं। इसलिए श्री कृष्ण समस्त लोकों के उत्पत्ति स्रोत हैं, जनक हैं, मूल हैं। अहम सर्वस्व प्रभव, मैं सबका मूल हूं, मैं सबका उत्पत्ति स्रोत हूं। और जब अनंत कोटि ब्रह्मांड अनंत कोटि वैकुंठ के उत्पत्ति स्रोत हैं, तो उन ब्रह्मांड में रहने वाले भी 33 करोड़ देवता, वैकुंठ में रहने वाले समस्त पार्षदों के भी वे मूल हैं, स्रोत हैं। तो श्री कृष्ण केवल जगत के नाथ ही नहीं है, वो जगत के मूल भी हैं। जिन से है उत्पन्न जग सो जगन्नाथ,
जिनसे है उत्पन्न जग सो जगन्नाथ, जिनसे है उत्पन्न जग सो जगन्नाथ, जिनसे है उत्पन्न जग सो जगन्नाथ, जिनसे है उत्पन्न जग सो जगन्नाथ, जिनसे जग उत्पन्न है जड़ जगत या चिन्मय जगत सब, उसका नाम है जगन्नाथ। नाथों के नाथ दीना नाथ जगन्नाथ है, वो नाथों के नाथ दीना नाथ जगन्नाथ है, नाथों के नाथ दीना नाथ जगन्नाथ है। अब जगन्नाथ जो है नाथ भी दो तरह का है, एक तो जगन्नाथ जी नाथों का नाथ है और एक जगन्नाथ जी अनाथों का नाथ है। अब नाथ कौन कौन है इस संसार में? जो जो भी पति के नाम से विख्यात हैं वो सब नाथ हैं। एक पत्नी के लिए पति नाथ है, संसार के लिए राजा नाथ है, शिष्य के लिए गुरु नाथ है, और जो 33 करोड़ देवता हैं वो भी अपने अपने क्षेत्रों के नाथ हैं, और फिर इन 33 करोड़ देवताओं के नाथ भगवान विष्णु हैं। तो भगवान विष्णु ही ब्रह्मांड में सबसे बड़े नाथ हैं, तो उन भगवान विष्णु के भी नाथ जो हैं वो जगन्नाथ हैं। नाथों के नाथ दीनानाथ जगन्नाथ है, नाथों के नाथ दीनानाथ जगन्नाथ है, नाथों के नाथ दीना नाथ जगन्नाथ है, नाथों के नाथ दीना नाथ जगन्नाथ है, नाथों के नाथ गोपी नाथ जगन्नाथ है, नाथों के नाथ गोपीनाथ जगन्नाथ है, नाथों के नाथ गोपी नाथ जगन्नाथ है, नाथों के नाथ गोपी नाथ जगन्नाथ है, नाथों के नाथ राधा 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 नाथ जगन्नाथ है, राधा नाथ जगन्नाथ, राधा नाथ जगन्नाथ, राधा नाथ जगन्नाथ, राधा नाथ जगन्नाथ, गोपीनाथ जगन्नाथ है, गोपीनाथ जगन्नाथ है, दीनानाथ जगन्नाथ है, दीनानाथ जगन्नाथ है। तो एक तो जगन्नाथ जी नाथों के नाथ हैं, स्वामियों के स्वामी हैं, प्रभुओं के प्रभु महाप्रभु हैं, जगन्नाथ महाप्रभु हैं। और दूसरे जगन्नाथ जी अनाथों के नाथ हैं, जिनका कोई नाथ नहीं, जो बेसहारा है, उन बेसहारों के, उन अनाश्रितों के, उन अनाथों के नाथ जगन्नाथ है। और ये मत सोचना कि हमारे तो नाथ हैं, हम अनाथ नहीं। इस संसार में
जिस जिस के भी जो जो भी नाथ हैं वो सब टेम्परेरी नाथ हैं, और टेम्परेरी जो नाथ हैं, नश्वर जो नाथ हैं, वो सदा के लिए आपकी सुरक्षा नहीं कर सकते। तो जो परमानेंट नाथ हैं, शाश्वत नाथ हैं, सनातन नाथ हैं, जो गोलोक नाथ हैं, वही जगन्नाथ है। तो भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभवो, मैं समस्त कारणों का कारण हूं, समस्त लोकों का, जगतों का कारण हूं, मूल हूं। मतः सर्वम परवर्तते, और सब लोक और समस्त लोकों के नाथ मेरे अंदर से ही उत्पन्न होते हैं, मैं ही सब कारणों का कारण हूं। इति मत्वा भजन्ते माम, जो मुझे सब कारणों का कारण परमेश्वर जान करके मेरी भक्ति करता है वो बुद्धिमान है, और उसी को मेरा प्रेम मिलता है, उसी को मेरी कृपा मिलती है। तो इतना जान लो कि जो श्री कृष्ण हैं ये किसी के अवतार नहीं। भगवद गीता में 10वें अध्याय के 42वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं अथवा बहु नायतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। हे अर्जुन, तुम मेरे बारे में विस्तार से जान करके क्या करोगे? बस संक्षेप में इतना जान लो कि मेरा एक अंश है जो सारे जगत का पालन करता है, और वो एक अंश कौन है जो जगत का पालनहार है? श्री विष्णु। तो श्री विष्णु भी श्री कृष्ण के अंश है गीता 10:42 के अनुसार। तो श्री कृष्ण विष्णु जी के अवतार नहीं, श्री कृष्ण तो जगन्नाथ हैं, श्री कृष्ण तो गोलोकनाथ हैं। तो ये रहस्य समझना सरल नहीं है, इन तो जगन्नाथ जी का प्रसाद खाने से बड़ी जल्दी समझ में आता है। तो श्री कृष्ण किसी के अवतार नहीं, वो समस्त अवतारों की जड़ हैं, मूल हैं, परमेश्वर हैं, सनातन ब्रह्म हैं। अहो भाग्यम महो भाग्यम नंद गोप व्रजोकसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, श्री कृष्ण तो पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण परमेश्वर है, सनातन परमेश्वर है, अजर अमर अजन्मा अविनाशी परमेश्वर है। इस संसार में वो केवल प्रकट होते हैं और अंतर्ध्यान होते हैं, उनका जन्म मृत्यु नहीं होता। तो श्री कृष्ण ही मूल परमेश्वर है, और इन मूल परमेश्वर का ही एक नाम है जगन्नाथ। अनाथों का नाथ जगन्नाथ, और नाथों का नाथ जगन्नाथ, गोपी नाथ जगन्नाथ, दीनानाथ जगन्नाथ, गोलोकनाथ जगन्नाथ, तो भगवान जगन्नाथ ही श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण ही जगन्नाथ है। तो फिर श्री कृष्ण का रूप और जगन्नाथ का रूप भिन्न भिन्न क्यों है? बात ऐसी है कि भगवान श्री कृष्ण को ब्रज वृंदावन छोड़े हुए
बहुत वर्ष बीत गए थे, लगभग 33 वर्ष बीत गए थे, किंतु श्री कृष्ण वापस वृंदावन नहीं गए। और श्री कृष्ण तो गोपीनाथ है, राधानाथ है, ब्रजनाथ है, वृंदावन नाथ है। तो श्री कृष्ण वृंदावन वासियों के विरह में बड़े दुखी रहते थे, उधर वृंदावन वासी भी श्री कृष्ण के विरह में बड़े दुखी रहते थे। देवर्षि नारद से न तो भगवान श्री कृष्ण का दुख देखा गया और न ही वृंदावन वासियों का दुख देखा गया। तो देवर्षि नारद ने भगवान श्री कृष्ण के पिता, जो लीला मात्र है, भगवान का कोई पिता नहीं है श्री कृष्ण को, सबके पिता है, परम पिता है, तो वसुदेव से जाकर के कहा, वसुदेव जी आप सब यादवों ने बड़े युद्ध लड़े हैं, युद्धों में बड़े पाप हो जाते हैं, जाने अनजाने में हत्याएं होती हैं, इसलिए आप लोगों को प्रायश्चित करना चाहिए और प्रायश्चित कैसे करोगे, सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर आप सबको स्नान करना चाहिए, इससे प्रायश्चित हो जाता है। तो वसुदेव जी ने तत्काल श्री कृष्ण को आज्ञा दे दी, बेटा पूरे यादव परिवार के साथ कुरुक्षेत्र चलो, वहीं पर शिविर लगाओ बड़े बड़े, और वहीं पर हम दान पुण्य करेंगे, स्नान करेंगे और प्रायश्चित करेंगे। वसुदेव जी प्रगाढ़ प्रेम के कारण श्री कृष्ण को अपना बेटा ही जानते ही नहीं जान पा रहे हैं, ये जगन्नाथ है। किंतु जगन्नाथ ने, श्री कृष्ण ने वसुदेव जी का आज्ञा का पालन किया और यहां पर कुरुक्षेत्र जो नजदीक है, ब्रह्म सरोवर के आसपास बड़े बड़े शिविर स्थापित कर दिए, सारे यादव वहां पर वास कर रहे थे, प्रवास कर रहे थे। बोलो हरे कृष्ण। उधर देवर्षि नारद ने जाकर वृंदावन वासियों को, नंद बाबा को, वृषभानु जी को जाकर के कहा, हे ब्रजवासियों आप श्री कृष्ण के विरह में इतने व्याकुल हो, व्यथित हो, श्री कृष्ण आपके बहुत निकट आ गए हैं, वो कुरुक्षेत्र में वास कर रहे हैं, आप लोग भी कुरुक्षेत्र चलो और जाकर के श्री कृष्ण को वृंदावन वापस लौटने का भाव भरा निमंत्रण दो। नारद जी की बात वृंदावन वासियों को बड़े भाई, और अपनी अपनी बैलगाड़ियों में सभी वृंदावन वासी ब्रजवासी सवार होकर के कुरुक्षेत्र आ पहुंचे। कुरुक्षेत्र में बहुत लंबे समय के बाद भगवान श्री कृष्ण का अपने वृंदावन वासियों के साथ पुनर्मिलन हुआ, मार्मिक मिलन हुआ। ब्रजवासियों के शिविर अलग स्थापित हुए थे, यादवों के शिविर अलग स्थापित थे। भगवान बलदेव, श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम की माता रोहिणी, इनका मन वृंदावन में ही लगता था, ये द्वारका में नहीं रहती थी। तो रोहिणी माता भी वृंदावन वासियों के साथ कुरुक्षेत्र आई, और जब वो यादवों के शिविर में गई तो वहां पर श्री कृष्ण की रानियों ने और द्रौपदी ने, सुभद्रा जी ने, इन सब ने रोहिणी माता को घेर लिया चारों तरफ से। रोहिणी माता आप तो वृंदावन से आई हो, हमें वृंदावन का समाचार सुनाओ ना, हमारे नाथ द्वारिकाधीश श्री कृष्ण दिन रात
सोते जागते हर समय वृंदावन वासियों को याद करते रहते हैं, रोते रहते हैं, किंतु कभी वृंदावन जाने के लिए नहीं कहते और हमने कभी पूछा भी नहीं वो वृंदावन क्यों नहीं जाना चाहते। तो जैसे हमारे स्वामी श्री कृष्ण वृंदावन वासियों के लिए हर समय व्यथित रहते हैं, क्या वृंदावन वासी भी श्री कृष्ण के लिए ऐसे व्यथित हैं? रोहिणी माता ने कहा, हे महिषियों मत पूछो वृंदावन वासियों का हाल, वो वृंदावन वासी नहीं रहे, वो तो पुतले हो गए, पुतले श्री कृष्ण के विरह में। और मैं अगर उनका समाचार सुनाऊं, उनके विरह की व्यथा सुनाऊं, तो वो बड़ी मार्मिक होगी। मैं स्वयं भी सुनाने में, उनकी विरह महादशा का वर्णन सुनाने में अपने आप को अक्षम समझ रही हूं, और मैं सुना भी दूं, किंतु अगर कृष्ण बलराम को पता चल गया कि हमारे विरह में वृंदावन वासियों का इतना बुरा हाल हो रहा है, तो उनको बड़ा भारी दुख लगेगा, इसलिए मैं नहीं सुनाती। जब श्री कृष्ण की रानियों ने पुनः आग्रह किया, तो रोहिणी माता ने श्री कृष्ण की छोटी बहन देवकी की नौवीं कन्या अर्जुन जी की धर्म पत्नी सुभद्रा जी को कहा, सुभद्रे तुम शिविर के द्वार पर जाकर खड़ी हो जाओ और कृष्ण बलराम को अंदर मत आने देना, अगर आने का प्रयास करे तो मेरी आज्ञा सुना देना। सुभद्रा जी शिविर के द्वार पर जाकर के बैठ गई। उसी समय कृष्ण बलराम आ गए। सुभद्रा जी ने अंदर जाने से मना कर दिया कि माता रोहिणी, आपकी रानियों को वृंदावन वासियों की विरह महादशा का वर्णन कर रही है और आपको भीतर आने के लिए मना किया है। तब कृष्ण बलराम ने कहा, बहन ठीक है, माता की आज्ञा है, हम भीतर नहीं जाएंगे, किंतु हम तीनों बहन भाई यहीं शिविर पर खड़े होकर के कान लगा करके सुन लेंगे कि भीतर क्या चर्चा चल रही है। भीतर रोहिणी माता ने वृंदावन वासियों की विरह महादशा का वर्णन करना सुनाना शुरू किया। वो वर्णन इतना मार्मिक था कि श्री कृष्ण बलराम और सुभद्रा से सुना नहीं गया। श्री कृष्ण बलराम और सुभद्रा जी का पूरा शरीर द्रवित होने लगा, क्योंकि श्री कृष्ण बलराम और सुभद्रा ये सच्चिदानंद रूप हैं, हाड़ मांस का बना हुआ भौतिक शरीर नहीं है, दिव्य शरीर है। और भगवान की विशेषता है कि वो अपने भक्तों का विरह प्रेम सहन नहीं कर सकते। तो जैसे ही कृष्ण बलराम सुभद्रा ने वृंदावन की मार्मिक कथा सुनी, तो श्री कृष्ण बलराम और सुभद्रा जी का जो शरीर है वो मेल्ट होने लगा, पिघलने लगा, और पिघल करके उनके जो हाथ हैं वो उनके शरीर में प्रवेश करने लगे, हाथ अस्पष्ट हो गए, हाथों के पंजे दिखने बंद हो गए,
भगवान के जो चरण हैं वो भी शरीर में घुसने लगे, भगवान की आंखें बड़ी बड़ी विशाल होने लगी, भगवान का मुख फैलने लगा, भगवान के कान भी अस्पष्ट हो गए और अंततः श्री कृष्ण बलराम और सुभद्रा का स्वरूप जो प्रकट हुआ वही स्वरूप यहां रथ पर विराजमान है। तो ऐसा दिव्य रूप, ऐसा विचित्र रूप भगवान का हो गया। देवर्षि नारद ने ये लीला रची थी भगवान की प्रेरणा से ब्रजवासियों को और द्वारकावासियों को मिलाने की। अब देवर्षि नारद ने देखा कि अरे मेरे प्रभु का स्वरूप कैसा हो गया, इनके तो हाथ पैर भी दिख नहीं रहे हैं, इनके तो आंखें बड़ी बड़ी हो गई हैं, इनका तो मुखमंडल फैल गया है, मेरे प्रभु ये कैसे हो गए हैं, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और देवर्षि नारद ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति गाना शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे स्तुति गाते रहे श्री कृष्ण बलराम और सुभद्रा जी का शरीर धीरे 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 पूर्वावस्था में आता चला गया और अंततः फिर पहले जैसा कृष्ण बलराम और सुभद्रा हो गए। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण एक बार जो रूप धारण कर लेते हैं वो रूप अविनाशी हो जाता है, शाश्वत हो जाता है। जैसे भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण किया तो थोड़े समय के लिए तो धारण किया था, हिरण्यकश्यप को मारा और फिर से अदृश्य हो गए, ऐसे ही श्री कृष्ण ने जगन्नाथ जी का रूप जो धारण किया वो थोड़े समय के लिए धारण किया किंतु यह रूप अविनाशी हो गया, शाश्वत हो गया। और शास्त्रों में इस रूप का महिमा मंडन होने लगा। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि हे नारद, ये मेरा रूप जो अभी अभी तुमने दर्शन किया है ये जगत में जगन्नाथ के नाम से विख्यात होगा। मैं अपने भाई बलराम या बलदेव और बहन सुभद्रा के साथ पुरुषोत्तम क्षेत्र, नीलाचल क्षेत्र, पुरी धाम के अंदर विराजमान होऊंगा और मैं कलयुग में समस्त मानव समाज की कलयुग के दुष्प्रभावों से रक्षा करूंगा। मैं अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण किया करूंगा। मैं अपने निष्काम भक्तों को अपना दिव्य प्रेम दिया करूंगा। मेरे सारे रूप शास्त्रों के विधि विधानों से बंधे हुए हैं किंतु मैं ये घोषणा करता हूं कि मेरा ये जगन्नाथ रूप वर्ष में एक दिन के लिए शास्त्रों के विधि विधानों से मुक्त रहेगा और वो एक दिन है आषाढ़ शुक्ल द्वितीया। तो भगवान के सारे रूप शास्त्रों के विधि विधान से बंधे हैं। तो शास्त्रों का विधि विधान क्या है कि जिसके पल्ले जितनी भक्ति होगी, जितनी पात्रता होगी, जितनी योग्यता होगी, भगवान श्री कृष्ण उतनी कृपा उसके ऊपर कर देंगे। श्री कृष्ण कौन? वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण, बांके बिहारी श्री कृष्ण, दामोदर श्री कृष्ण, वो उतनी कृपा करेंगे जितने के आप पात्र होंगे। पात्रता से अधिक कुछ भी नहीं देंगे क्योंकि शास्त्रों के विधि विधान के अनुसार उनकी पूजा होती है। होती तो जगन्नाथ जी की भी है शास्त्रों के विधि विधान से, किंतु आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन
भगवान जगन्नाथ शास्त्रों के विधि विधान से मुक्त हो जाते हैं। और उसका प्रमाण क्या है कि जगन्नाथ जी मंदिर से बाहर आते हैं। भगवान श्री कृष्ण या किसी भी देवी देव की मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो फिर वो कभी बाहर नहीं निकलते, स्थापित हो जाते हैं। किंतु ये हमारे जगन्नाथ जी मंदिर में स्थापित होकर के भी एक दिन के लिए सैर करने के लिए आते हैं। सैर करने को संस्कृत में कहते हैं विहार करना, विहार से बन गया विहार, और जो विहार करने वाला उसे कहते हैं बिहारी। इसलिए श्री कृष्ण का नाम है बांके बिहारी, श्री कृष्ण का नाम है वृंदावन बिहारी, श्री कृष्ण का नाम है कुंज बिहारी। देखिए श्री कृष्ण रूप में तो श्री कृष्ण कुंज बिहारी प्रकट या अप्रकट लीला में ही होते हैं, किंतु जगन्नाथ रूप में वो हर साल बिहारी होते हैं, वो रथ बिहारी होते हैं। रथ बिहारी भगवान की, भगवान जगन्नाथ जी रथ पर विराजमान होकर अपने भाई बलदेव और बहन सुभद्रा के साथ जगन्नाथपुरी की सड़कों पर विहार करने के लिए आते हैं। रथ विहारी बनते हैं। बताइए क्या है कोई ऐसा भगवान का स्वरूप जो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित होने के बाद मंदिर से निकलता हो? नहीं निकलता। तो ये एकमात्र जगन्नाथ जी हैं जो मंदिर से बाहर आते हैं। क्यों आते हैं? एक तो विहार करने के लिए आते हैं, दूसरा जो लोग इतने आलसी हैं कि भगवान के मंदिर तक जाकर के दर्शन नहीं कर पाते, तो जब भगवान जी रथ पर विहार करने के लिए बाहर आते हैं मंदिर से, तो दूर दूर से लोग आकर के उनका दर्शन करते हैं। बोलो हरे कृष्ण। तो जब भगवान जगन्नाथ जी रथ विहार करते हैं तो इस लीला को हमारे शास्त्रों में जगन्नाथ रथ यात्रा नाम दिया गया। तो मूल रूप से जगन्नाथ रथ यात्रा वो उत्कल अर्थात उड़ीसा में पुरी क्षेत्र में, जिसे नीलाचल क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र भी कहते हैं, वहां पर होती है। और आज वहां जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हो रही है। और उसी जगन्नाथपुरी के साथ साथ जीबीपीएस ट्रस्ट वृंदावन यहां पर शाहबाद मारकंडा में भी रथ यात्रा का आयोजन कर रहा है। तो ये जो जगन्नाथ रथ यात्रा है इसके अलग अलग भावार्थ हैं। हमारे गौड़ीय संप्रदाय में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ रथ यात्रा का जो भावार्थ लिया है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा भी बहुत से भावार्थ हैं। जगन्नाथपुरी में जो मुख्य मंदिर है जगन्नाथ जी का, श्री जगन्नाथ मंदिर, उसको समझ लीजिए कुरुक्षेत्र, उसको मानना है भाव में, भाव में जगत का कुरुक्षेत्र। और वहीं जगन्नाथपुरी में लगभग एक कोस दूर दूसरा मंदिर है श्री गुंडीचा मंदिर। तो ये गुंडीचा कौन है? सतयुग में एक राजा हुए थे जिनका नाम था इंद्रद्युम्न, जो भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे। उन इंद्रद्युम्न की पत्नी का नाम था गुंडीचा। तो उन्हीं के नाम पर वो गुंडीचा मंदिर आज भी है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर को माना भाव जगत का वृंदावन।
क्या माना? भाव जगत का वृंदावन, और श्री जगन्नाथ मंदिर को माना भाव जगत का कुरुक्षेत्र। भाव जगत का मतलब मन से भाव ग्रहण किया, क्योंकि भक्ति भाव से होती है। तो हम गौड़िया वैष्णव जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के कट्टर अनुयायी हैं, हम श्री जगन्नाथपुरी को एक दिन के लिए मान लेते हैं कुरुक्षेत्र, और गुंडीचा मंदिर को मान लेते हैं वृंदावन। तो यहां पर आप जो चित्र देख रहे हो, ये श्री जगन्नाथ मंदिर का है, अर्थात इस समय आप कुरुक्षेत्र में विराजमान हो। और अब यहां से रथ यात्रा जब चलेगी धीरे धीरे, तो विभिन्न द्वारों को पार करती हुई अनाज मंडी के शेड नंबर 3 में पहुंचेगी। तो वहां पर आपको इसी तरह एक चित्र बड़ा मिलेगा, उस पर होगा गुंडीचा मंदिर। तो गुंडीचा मंदिर को मानिए वृंदावन। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे क्यों माना? भगवान चैतन्य महाप्रभु ने मानसी सेवा के अंतर्गत रागानुगा भक्ति में या रागात्मिका भक्ति में एक उच्च स्तर की सेवा होती है मानसी सेवा। तो मानसी सेवा के अंतर्गत उन्होंने चिंतन किया। क्या चिंतन किया? कि श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में हैं बलदेव सुभद्रा के साथ, और राधा रानी गोपियों ने श्री कृष्ण को वृंदावन चलने का निमंत्रण दिया। भगवान श्री कृष्ण ने वो निमंत्रण स्वीकार कर लिया, और जैसे ही श्री कृष्ण ने निमंत्रण स्वीकार किया तो ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण के रथ के घोड़े खोल दिए। अब इन घोड़ों की जरूरत नहीं है, रथ पर 2 रस्से बांध दिए। बाएं रस्से पर ब्रज गोपियां लग गई, दाएं रस्से पर रथ की तरफ ब्रज गोप लग गए, और जगन्नाथ जी के अर्थात श्री कृष्ण के रथ को श्री कृष्ण बलराम और सुभद्रा सहित खींचने लगे वृंदावन की ओर। अर्थात श्री कृष्ण बलराम और सुभद्रा रथ पर बैठ गए, ब्रजवासियों ने घोड़े खोल दिए, और स्वयं ही ब्रज गोपियां जो हैं उन्होंने रथ के रस्से से, ब्रज गोपों ने रथ के रस्से से जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण का रथ खींचना शुरू किया, और वो खींचते 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 वृंदावन ले गए। तो ये सब कहां चल रहा है? भगवान चैतन्य महाप्रभु के मन में, मानसी सेवा में। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण भागवत के अनुसार, अन्य शास्त्रों के अनुसार वो अलग तरह से वृंदावन गए थे 44 वर्ष की आयु में वापस, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने मानसी सेवा में, भावमय सेवा में ऐसा दर्शन किया कि रथ पर श्री कृष्ण बलराम सुभद्रा बैठे हैं, ब्रज गोपी ब्रज गोप रस्से से रथ को खींच रहे हैं, और खींचते खींचते वृंदावन ले गए। ब्रज गोपियों को बड़ा आनंद आ रहा है, ब्रज गोपों को बड़ा आनंद आ रहा है। तो इस प्रकार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ मंदिर और गुंडीचा मंदिर का भाव साम्य किया। जगन्नाथ मंदिर को मान लिया कि ये कुरुक्षेत्र है, और यहां पर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी रथ पर विराजमान हैं, रथ के रस्से बंधे हुए हैं, उन रस्सों को भगवान जगन्नाथ के भक्त खींच रहे हैं, एक तरफ महिला भक्त दूसरी तरफ पुरुष भक्त, और बहुत सारे भक्त कीर्तन कर रहे हैं, बहुत सारे भक्त प्रणाम करते हुए नाच रहे हैं, और नाचते गाते कीर्तन करते ठुमकते प्रसाद खाते गुंडीचा मंदिर तक ले गए। तो गुंडीचा मंदिर जाने का मतलब है
के जगन्नाथ जी वृंदावन चले गए। यद्यपि जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ पुनर्यात्रा भी होती है, नौवे दिन रथ यात्रा से नौवे दिन जगन्नाथ पुनर्यात्रा होती है, किंतु भगवान चैतन्य महाप्रभु ने पुनर्यात्रा का भाव स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमारा तो मन था कि हम श्री कृष्ण को, जगन्नाथ जी को ब्रजवासियों से मिलाएंगे, अब वापस ब्रज से कुरुक्षेत्र या द्वारिका नहीं बुलाना चाहते, इसलिए हम वापसी की यात्रा नहीं करते, हम केवल एक ही यात्रा करते हैं, कुरुक्षेत्र से वृंदावन। और ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है कि जब कोई दर्शनार्थी, कोई श्रद्धालु आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन रथ पर विराजमान भगवान जगन्नाथ का उनके भाई बहन बलदेव सुभद्रा के साथ दर्शन मात्र कर लेता है, तो उसके जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और यदि कोई दर्शन भी नहीं कर पाता, बहुत दूर खड़ा है, तो जगन्नाथ जी के विग्रह से अगर वायु स्पर्श करके पुस्तक चली गई, तो वो वायु भी उस दर्शनार्थी को पवित्र कर देती है। ऐसा लिखा है स्कंद पुराण में कि रथारूढ़ सुभद्रा और बलराम सहित भगवान श्री कृष्ण का रथ चलने से दसों दिशाओं में दिव्यता का संचार होता है, और दयालु भक्त वत्सल भगवान के श्री विग्रहों को स्पर्श करके बहने वाली पवित्र वायु समस्त प्राणियों का पाप नाश करती है, केवल मानव का ही नहीं समस्त प्राणियों का पाप नाश करती है। और यदि किसी को जगन्नाथ जी को निकट से दर्शन करने का अवसर मिल जाए तो क्या कहना, जगन्नाथ जी का प्रसाद खाने के लिए मिल जाए तो क्या कहना, जगन्नाथ जी के रथ पर चढ़कर प्रसाद पाने का अवसर मिल जाए तो क्या कहना, जगन्नाथ जी के रस्से का केवल छूने का भी, स्पर्श करने का भी अवसर मिल जाए तो क्या कहना, और जगन्नाथ जी के सामने जो दंडवत करेगा तो उसका तो क्या कहना। तो ऐसी दिव्य और अद्भुत होती है हमारे भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। गीता भागवत प्रचार सेवा ट्रस्ट वृंदावन ने जगन्नाथपुरी में जाकर भगवान जगन्नाथ जी से उनकी सेवा का अधिकार मांगा था, तो भगवान जगन्नाथ जी ने वो सेवा का अधिकार दिया। किस प्रकार कि जीबीपीएस ट्रस्ट वृंदावन का ध्वज जगन्नाथ मंदिर के ऊपर लहराया, तो इसी को हमने संकेत मान लिया कि जगन्नाथ जी ने हमें अपनी सेवा का अधिकार दिया है, इसलिए हमने जगन्नाथ पुरी के साथ साथ प्रतिवर्ष जगन्नाथ रथ यात्रा डे सेलिब्रेट करने का निश्चय किया, किंतु यह निर्णय किसी एक शहर या किसी एक क्षेत्र के लिए नहीं लिया, माफ कीजिएगा, यह निर्णय हमने जीबीपीएस के सभी प्रचारक क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए लिया। पिछले वर्ष हमने जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव मनाया था आपके निकट लाडवा शहर में, और अगले वर्ष मनाएंगे कहीं और, अभी तो जगन्नाथ जी ने बताया नहीं कि कहाँ जाना चाह रहे हैं, जब बता देंगे तो बता देंगे आपको भी, लेकिन इस वर्ष हम जगन्नाथ रथ यात्रा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं शाहबाद मारकंडा में। हमारे बीच में दूर दूर से यहाँ पर भक्त पधारे हैं जगन्नाथ रथ यात्रा में, जैसे जब भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती थी उड़ीसा में 500 वर्ष पहले, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा की संकीर्तन मंडली का नेतृत्व किया करते थे, तो भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में भगवान चैतन्य महाप्रभु के उड़ीसा से
बंगाल से और महाराष्ट्र से दूर दूर से वृंदावन से भक्त पहुंचा करते थे रथ यात्रा में। तो वैसे ही भगवान चैतन्य महाप्रभु की जीबीपीएस के ऊपर भी भारी भरकम कृपा है कि हमारी रथ यात्रा में भी हमारे जीबीपीएस के दूर दूर से भक्त समर्थक सहयोगी पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। आए जगन्नाथ हर्ष रहे नैना, हो आए जगन्नाथ हर्ष रहे नैना, हर्ष रहे नैना बरस रहे नैना, हर्ष रहे नैना बरस रहे नैना, हो आए जगन्नाथ हर्ष रहे नैना, आए जगन्नाथ, हो आए जगन्नाथ हर्ष रहे नैना, हर्ष रहे नैना बरस रहे नैना, हो आए बलदेव हर्ष रहे नैना, हर्ष रहे नैना बरस रहे नैना, हो आए जगन्नाथ हर्ष रहे नैना, हर्ष रहे नैना बरस रहे नैना, हो आए बलदेव हर्ष रहे नैना, हो आए बलदेव हर्ष रहे नैना, हर्ष रहे नैना बरस रहे नैना, हो आए जगन्नाथ हर्ष रहे नैना, जगन्नाथ चले आए हैं कृपा बरसाने को, हो जगन्नाथ चले आए हैं कृपा बरसाने को, जगन्नाथ चले आए हैं कृपा बरसाने को, हो जगन्नाथ चले आए हैं कृपा बरसाने को, कृपा बरसाने को, करुणा बरसाने को, कृपा बरसाने को, करुणा बरसाने को। वृंदावन धाम से श्री दादा दामोदर मंदिर के सेवायत आचार्य श्री पूर्णचंद्र गोस्वामी जी नारियल तोड़ करके रथ यात्रा का शुभारंभ करेंगे। Swagatam, 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 Swagatam,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा ताले बजाते सभी हरे नाम संकीर्तन की जय Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, H
Hare Hare.
राम राम हरे हरे Yeah.
Jaya Jaya Govind 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 Jaya
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सब द्वारन को छोड़ कर मैं आया तेरे द्वार हे वृषभानु की लाडली जरा मेरी ओर निहार जरा मेरी ओर निहार जरा मेरी ओर निहार जरा मेरी ओर निहार जरा जय सचिदानंद हरि हरि जय सचिदानंद हरि हरि
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna
जय गोपीनाथ। म्यूजिक पार्टी जोर से संकीर्तन कीजिए। हरे 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 रामा राम राम हरे 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 हरे। चलिए चलिए आगे साउंड आगे बढ़ाइए। साउंड हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा वृंदावन का भाव लिया है और जगन्नाथ मंदिर में कुरुक्षेत्र का भाव लिया है। तो हम लोग कुरुक्षेत्र से अब पहुंच गए हैं वृंदावन। वृंदावन धाम से श्री दादा दामोदर मंदिर के सेवायत आचार्य श्री पूर्णचंद्र
रामचंद्र गोस्वामी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। अब ये जगन्नाथ जी का कीर्तन करवाएंगे। म्यूजिक टीम कीर्तन पे रहिए। जगन्नाथ भगवान की, बलभद्र भगवान की, सुभद्रा महारानी की जय जय श्री राधे। जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय
बोल हरि 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 बोल Sure.
और अब हार्ट ऑफ जेबीपीएस जेबीपीएस ट्रस्ट बोर्ड को इनवाइट करता हूं। उसमें जीवानुगा शैलवासिनी देवीदासी जो कोषाध्यक्ष भी हैं, अभी वरिष्ठ प्रचारी का ये कोषाध्यक्ष भी हैं, इनके पास जेबीपीएस के चार चार पर जेबीपीएस के वरिष्ठ प्रचारी का हैं और जेबीपीएस की महिला प्रभारी हैं। महिलाएं सभी जो हैं इसी के मार्गदर्शन में भक्ति करती हैं और ये इस जगन्नाथ रथ यात्रा के डायरेक्टर भी है, सारा कार्य इसी के निर्देशन में हो रहा है। जीवानुग सुधीर वैष्णव ये जेबीपीएस के सेक्रेटरी हैं, जीवानुग राकेश वैष्णव जेबीपीएस ट्रस्टी, जीवानुग पवन वैष्णव, जीवानुग मनीष वैष्णव जेबीपीएस ट्रस्टी, जीवानुग संजीव वैष्णव ये उपप्रचार सेवक भी है पानीपत के और जेबीपीएस के ट्रस्टी भी हैं, जीवानुग मृदुला वैष्णवी जेबीपीएस ट्रस्टी, इसके बाद जीवानुग सविता वैष्णवी जेबीपीएस ट्रस्टी, ये उपप्रचार सेविका भी है, दो दो पद हैं। और दसवां मैं हूं तेजस्वी दास। जो है अनाथों के नाथ सो